ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में छोटी बड़ी सभी दुकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में मराठी में साइन बोर्ड लगाने को लेकर राजनीतिक दलों में श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। इससे व्यापारी सहम गए हैं, वे अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को दुकानों के बड़े साइन बोर्ड मराठी में अनिवार्य करने का निर्णय किया था। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने धमकी भरे लहजे में कहा, दुकानदार सोच ले कि साइन बोर्ड बदलने का खर्च ज्यादा आएगा या दुकान के कांचे बदलने का खर्च ज्यादा आएगा। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा, दुकानों के बोर्ड मराठी में लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फॉन्ट साइज को लेकर आपत्ति है। उन्होंने सरकार से इस बारे में दुकानदारों पर दबाव न डालने की गुजारिश की, साथ ही अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा की मांग भी की। इसके बाद उनकी दुकान के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई। कैबिनेट में आज कुछ बड़ा प्रस्ताव पास किया है मराठी नेम बोर्ड के ऊपर। मराठी के नेम बोर्ड में लेटरिंग जो होती है वो बड़े साइज में होने चाहिए और दूसरे लैंग्वेज उससे बड़े होने चाहिए। तो सरकार को हमें याद दिलाना है, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2001 में याचिका जाहिर की थी और उसमें वो टाइम पे एमसीजीएम की ओर से काफी सारी पेनल्टी लगी थी दुकानदारों के ऊपर जो मराठी साइन बोर्ड की साथ में इंग्लिश के बड़े लेटर में अक्सर लिखे जाते थे। तो हमने वो याचिका के ऊपर स्टे ऑर्डर लिया था बॉम्बे हाईकोर्ट से और वो स्टे ऑर्डर अभी भी है। 2009 में भी इस प्रकार से कोई चेंज करने की कोशिश की गई थी लेकिन स्टे ऑर्डर कायम था और अभी लीगल उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से पैंडेमिक के 2 साल में दुकानदारों को इतने सारी लॉस हुए हैं, कोई भाड़ा नहीं चुका पाए, पगार नहीं दे पाए, ऐसे समय में इलेक्शन के दौरान इस प्रकार का वोट बैंक पॉलिटिक्स करना और दुकानदारों को परेशान करना तो ये एक सरासर गलत इंडिकेशन जाएगा दुकानदारों के ऊपर। ऐसे समय में सरकार को कोई भी ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहिए जिससे दुकानदार नाराज हो जावे। इधर AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने ठाकरे सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के चलते दुकानदारों का बुरा हाल है, उनकी गुजर बसर मुश्किल है, वे दुकान के साइन बोर्ड बदलने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, साइन बोर्ड बदलने का खर्चा सरकार उठाए। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हैं, यहां कारोबार करते हैं और मराठी का विरोध करते हैं, इसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। सांसद जलील को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।